इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो दोस्तों, हाय, मेरा नाम है रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। वैसे ये एक बोल सकते हो आप वाहन शाखा है, मतलब इंजीनियरिंग के एक वाहन से रिलेटेड, आप इसे मैकेनिकल का एक पार्ट बोल सकते हो, राइट। और इसमें बस हुआ, ट्रक हुआ, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन्हीं सब के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो भले मशीन से रिलेटेड हो या फिर आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इन सब के बारे में आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, या फिर रिपेयरिंग से रिलेटेड। सो 4 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज होता है, हर 6 महीने में इसका एग्जाम्स होता है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, सो 12th के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब ये डिपेंड भी करता है कि आप किस कॉलेज में लेना चाहते हो। जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस देनी होती है। वो किसमें, JEE इंजीनियरिंग का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। इसको आपको देना पड़ता है। इसके बाद आप JEE एडवांस भी होता है, अगर आप उसे क्रैक करते हो तो आपको और अच्छी ब्रांच मिलती है। अगर आपने JEE मेन नहीं दिया है, एडवांस नहीं दिया है, तो क्या, तो भी आप 12th के परसेंटेज के बेसिस पे ले सकते हैं एडमिशन। अब अगर आपके 12th में कम परसेंटेज भी है, 50% भी है, 60% भी है, तो भी क्या आप एडमिशन ले सकते हो? जी हाँ, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अब आपको ध्यान में ये रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों को मिला के आपके 50 नंबर होने चाहिए, राइट। अगर आप SC ST OBC के हो तो हाँ, फिर थोड़ा सा कंसीडर कर लिया जाए पाया, और 45 नंबर होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, नंबर इतना से परसेंटेज होना चाहिए तीनों को मिलाकर, राइट। और अगर आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉलेज चाहते हो, JEE एडवांस में जाना चाहते हो, मेंस में कर रहे हो, सो एक बात याद रखना है आपको कि आपके परसेंटेज 12th में अच्छे होना चाहिए, क्योंकि एडवांस के लिए बेसिकली 75% चाहिए होता है। ये रही एलिजिबिलिटी की बात। अब अगर हम बात करें कि इसकी फीस कितनी होती है, तो यार ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। 10,000 से लेके यहाँ पर इसकी जो फीस होती है 4 लाख तक होती है पर ईयर, राइट। अब और अगर हम पैकेज की बात करें, तो यार भैया ये देखो, ये भी आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक एस्टिमेटेड मिनिमम 2-2.5 लाख से तो आपका पैकेज स्टार्ट हो गई होगा, और जो कि जाता है 14-20 लाख तक। और अगर आप IIT NIT है तो फिर ये ज्यादा भी जा सकता है। अब अगर हम टॉप जॉब एरिया की बात करें, तो बहुत सारे यहाँ पर हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं मेंटेनेंस इन सर्विस स्टेशन, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज में, डिफेंस सर्विसेज में, या फिर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में आप कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो, जहाँ पर कहीं ना कहीं व्हीकल का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा भी वर्कशॉप में आप कर सकते हो, ऑटोमोबाइल गैरेज एंड मेंटेनेंस में आप जा सकते हो, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में टीचिंग का जॉब आप पा सकते हो, डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में जा सकते हो, इसी के अलावा इंजीनियरिंग प्रोडक्शन यूनिट में भी आप जा सकते हो। सो ये सारे जो हैं वो है कहीं ना कहीं आपके जॉब एरिया, जॉब जिसमें आप कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं। अब जॉब्स की पोजीशंस आपको कौन कौन सी मिल सकती हैं, वो भले ही यहाँ पर आपका हो प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर हो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर, पेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर हो, डिजाइन इंजीनियर हो, या सेल्स ऑफिसर। तो ये सारी आपकी जॉब्स की पोजीशंस होती हैं, डिपेंड फिर वही मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके स्किल्स पे और आप कहाँ जॉब कर रहे हो इस पे। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल एक अच्छा स्कोप है इसमें भी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, अगर आप इसमें एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करते हो और ड्रीम ब्रांच अगर आप लेके इसमें एक अच्छे डिजाइनर बनते हो, तो सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। अब अगर हम कुछ सिलेबस की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है इस कोर्स में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। सो अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, तो इसमें आपको इंजीनियर ग्राफिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसी तरह से सेकेंड में भी इससे रिलेटेड रहता है, और इंजीनियरिंग मैकेनिज्म एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर आते आते, थर्ड सेमेस्टर आते आते आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाता है। थर्ड सेमेस्टर आते आते आपके सब्जेक्ट भी चेंज होने लगते हैं, और यहाँ पर अगर आपको आप देखें तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोटिव चेसिस में, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ऑटोमेटिव इंजन में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाता है, फूड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ाया जाता है, न्यूमेरिकल
ऑप्टिकल मेथड के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑटोमेटिव ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ाया जाता है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, ये फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है, टू एंड थ्री व्हीलर्स के बारे में पढ़ाया जाता है आपको, ऑटोमेटिव इंजन एंड कंपोनेंट डिजाइनिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, चेसिस के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑटोमेटिव सेफ्टी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, रोबोटिक के बारे में भी यहाँ पर एक दो सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, साथ में व्हीकल डायनामिक मिल जाता है आपको, व्हीकल मेंटेनेंस भी आपको ये सब्जेक्ट मिल जाते हैं, और इंजन एंड व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर व्हीकल से रिलेटेड ही इर्द गिर्द घूमता है, राइट। उसको यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग से लेके यू नो रिपेयरिंग हो या सेलिंग हो, यहाँ सब कुछ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नॉलेज यहाँ पर दी जाती है, और आप अब ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट जोन क्या है और आप किस में, अगर आप एक डिजाइनर बनना चाहते हो तो ऑटोमोबाइल डिजाइनर उसका भी एक अच्छा खासा पैकेज होता है। सो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ये पूरी डिटेल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और शेयर करना इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स को जो ऑटोमोबाइल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, ताकि किसी को भी किसी तरह का डाउट ना रहे। मैं चाहता हूं हर बच्चा यहां नॉलेजेबल हो ब्रांच को लेके, एंड देन दे विल चूज द राइट ब्रांच फॉर देयर यू नो इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से। तो आई होप आपको शेयर करना चाहिए और आप करोगे भी। सो और कुछ पूछना है यार तो इंस्टाग्राम आईडी पर आओ, रोथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी में मेरी आप पूछो अपना सवाल और मैं दूंगा जवाब। सो तब तक के लिए सब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।